दिस इज शाहनवाज हसन। और आज देखिए ये मेरा जो पैकेट आप देख रहे हैं फ्लिपकार्ट, सो मैंने मोबाइल परचेस किया है और मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था जो कि पिक ब्लिन डे में आपका चल रहा था ऑफर, तो मैं तभी इसको परचेस किया हूँ। सो इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ और मैं अक्सर जो है फ्लिपकार्ट से ही ज़्यादातर परचेस करता हूँ और उसका रीज़न भी है, मैं सारा चीज़ बताऊँगा। तो देखते रहिए मेरे इस वीडियो को और मैं इसको अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, कौन सा मोबाइल है सब कुछ पता चलेगा आपको इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और हाँ लाइक शेयर प्लीज़ कर दें। दोस्तों तो चलिए, अब इसको मैंने ऑलरेडी तो पैकेट से निकाल लिया और तो इसको खोल। अब एक हाथ में मोबाइल पकड़ के एक वीडियो करना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सबके लिए। तो ये है मेरा इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 मोबाइल जो कि बजट फ़ोन है आप कह सकते हैं इसको। और ये आपका जो रेडमी 5A मोबाइल है उसका जो स्पेसिफिकेशन है और जो बजट है दैट इज़ ऑल्सो सेम। सो ये रेडमी 5A के साथ ही जो है कंपटीशन करने वाले हैं मार्केट में। और चलिए आप ओपन कर दें, पीछे की ओर आपको दिखा दूँ सारा फीचर्स और वगैरह स्पेसिफिकेशन जो भी है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे तो लिखा है मेड इन इंडिया बट कंपनी तो चाइनीज़ की ही है। और इन्फिनिक्स जो कि नई कंपनीज है दोस्तों, बट अगर कंपनी का मैं बैकग्राउंड अगर बताऊं तो कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है। और ये जो है 30 कंट्रीज़ में इसका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है। तो चलिए ओपन करते बॉक्स को। तो ये है, आप देख रहे हैं मैंने बॉक्स ओपन किया और तो ये स्क्रीन के सामने एक स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया हुआ है और पीछे की ओर ये गोल्डन कलर है। पीछे आपका जो डुअल कैमरा नहीं है, ऑनली सिंगल कैमरा बट डुअल फ्लैश है। यहाँ पे भी एक फ्लैश दिया गया है और यहाँ पे भी एक फ्लैश है। सामने जो कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल और पीछे का कैमरा 13 मेगापिक्सल। तो इसको करते साइड में और देखते बॉक्स में। और तो ये है जो कि नॉर्मली होता ही है, एक USB केबल और ये दिया गया है एडाप्टर। तो चलिए छोड़े इसको देखने। और ये है मैनुअल बुक्स, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको हटाता हूँ और बात करते हैं इसका स्पेसिफिकेशन और स्टार्टअप करते हैं इसको। सो मैंने स्टार्टअप कर दिया। इसमें जो रैम दिया गया है वो 2 GB रैम है और 16 GB रोम है। और इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो प्रोसेसर है आपका मीडियाटेक कंपनी की। और प्रोसेसर का जो स्पीड है दैट इज़ 1.5 GHz। और इसमें एंड्रॉयड जो वर्जन है दैट इज़ 8.1, आई मीन लेटेस्ट वर्जन है ओरियो। तो ये देखिए स्टार्ट तो हो गया है और जाते हैं सेटिंग्स में। सो यहाँ पे सिस्टम्स और यहाँ पे अबाउट फोन। सो जैसे कि मैंने कहा आपको कि देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन आपको शो हो रहा है 8.1। सो 8.1 वर्जन शो हो रहा है, दैट मीन्स लेटेस्ट वर्जन है। और स्टोरेज चेक करते हैं क्योंकि शुरू में क्या होता है स्टोरेज देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कितना स्टोरेज अवेलेबल है आपको यूज़ के लिए। तो यहाँ पे चलते स्टोरेज में और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरेज में अभी 1.13 GB जो है अवेलेबल है, 2 GB दिया हुआ है उनमें से 1.13 GB अवेलेबल आपके यूजेबल के लिए दिया गया है। और इसमें 16 GB जो स्टोरेज कैपेसिटी है दैट मीन्स 9.64 GB ओनली जो है अवेलेबल है। तो बहुत कम आपको लग रहा होगा, सो चेक करते हैं। बट वाई देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप ऑलरेडी जो है प्री लोडेड है,
फेसबुक प्रीलोडेड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी ओपन होता है। सो DFF में आपका कौन सा एप्लीकेशन अवेलेबल है, फिस अनलॉक है, फेसबुक है, फाइल्स गो है, जो कि फाइल्स गो ये नया एप्लीकेशन है आपका गूगल का और ये ऑलरेडी प्रीलोडेड है। एंड यहाँ पर फ्लिपकार्ट भी दिया हुआ है, FM रेडियो है वगैरह वगैरह, जी से जीमेल। सो दिस स्पेसिफिकेशन मैंने जो बताया आपको कि इसमें 2GB रैम एंड 16GB रोम है और ये जो कैमरा है रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल पीछे की ओर दिया हुआ है और सामने जो रियर कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल और इसमें ड्यूअल फ्लैश है बट ड्यूअल कैमरा नहीं है, यहाँ पे फ्लैश ड्यूअल दिया है, सामने भी फ्लैश है पीछे भी फ्लैश है। तो एज ए बजट फ़ोन आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका प्राइस अभी जो चल रहा है दैट इज़ 6,000 रुपीज़ एज अगर इसे आप कंपेयर करें तो रेडमी 5 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बट ये आप इस कितना टक्कर देने वाला है रेडमी 5 आपको वो तो बाद में पता चलेगा। तो रिव्यू और एक वीडियो आपको मैं बनाऊंगा आप सभी के लिए कि आप सभी को ये कैसा मतलब यूज़ करना चाहिए, लेना चाहिए या नहीं, ठीक है या नहीं। एंड दिस इज़ ऑल्सो फर्स्ट टाइम दैट मैं इस तरह का एक फ़ोन यूज़ करने जा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली ट्यून अप करते रहें मेरे चैनल पे और इनका मैं रिव्यू भी एक बनाऊँगा विद इन 15 डेज के अंदर। फर्स्ट 7 डेज में इसको रिव्यू में रखूँगा, देखता हूँ कि ये ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। और ये देखिए कैमरा। सो दोस्तों अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।